दुनिया की 10 सबसे चौंका देने वाली जगहें। दोस्तों कहने को तो हमारी पृथ्वी पर 7 अजूबे हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि अगर अजूबों की बात की जाए तो हम आपको ऐसे ऐसे अजूबे दिखा देंगे जिन्हें शायद किसी ने देखा हो। अब जैसे कि आज के वीडियो में दिखाए जाने वाली इन जगहों को ही ले लीजिए, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो इतनी ज्यादा अनोखी हैं कि इनके बारे में साइंटिस्ट भी अभी तक ढंग से पता नहीं कर पाए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप दुनिया की ऐसी जगहों को देखने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगी। बस अगर आपको इन जगहों में से एक भी जगह अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। द पेट्रीफाइंग वेल। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज या फिर किस्से कहानियों में ये सुना होगा कि कुछ लोगों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो किसी भी चीज को पत्थर की बना देते हैं, जिसमें आप नॉर्मिया मूवी का एपांजल ले सकते हैं। और इसी तरह की एक कहानी भी हमारी पुरानी कथा में भी शामिल है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के नॉर्थ ऑक्स शहर में एक गुफा है जिसे पेट्रीफाइंग वेल कहा जाता है, जिसके पास मौजूद झरने पर कोई भी चीज अपने आप पत्थर बन जाती है। और इसी चीज को चेक करने के लिए यहाँ आने वाले लोग इस जगह पर टेरबियर, खिलौने और भी कई तरह की चीजें छोड़कर चले जाते हैं। और जब वो कुछ समय बाद इस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि उनका छोड़ा हुआ सामान अब पत्थर में तब्दील हो चुका है। वैसे दोस्तों पानी से किसी चीज का पत्थर बनना एक नजर प्रोसेस है, क्योंकि पानी में मिलने वाले माइनरल्स किसी भी चीज को पत्थर में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस होने में काफी समय लगता है। पर इस जगह पर महज कुछ हफ्तों में कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है, जो कि काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और इस जगह की इसी खूबी के लिए लाखों की मात्रा में सैलानी हर साल इस झरने को देखने आते हैं। दरवाजा क्रेटर। दोस्तों सन 1971 में तुर्कमेनिस्तान में एक रेगिस्तानी इलाके में लोगों को एक छोटी सी आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी, जिसे देख वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए और सबने सोचा कि क्यों ना देखा जाए इस जगह पर क्या है, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने यहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दिया। तभी उस जगह का एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप ही खिसक गया। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि वहाँ काम कर रही मशीनें भी इस गड्ढे में समा गई, और तब से लेकर अब तक ये गड्ढा निरंतर बिना रुके जल रहा है। दोस्तों इस गड्ढे को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि बिना किसी वजह के इस जगह पर आग का गड्ढा कैसे खुल सकता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस गड्ढे को यहाँ के लोग नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। दोस्तों ये जगह जितनी डरावनी है उतना ही रहस्यमय है, क्योंकि अभी तक किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि ये गड्ढा यहाँ पर क्यों बना है और निरंतर जलता जा रहा है। हाउ कॉर्ड लॉर वैली। दोस्तों पानी के फव्वारे से आती हुई पानी की बूंदें जितनी ही शानदार दिखने में लगती हैं, उतनी ही शानदार उनकी आवाज भी होती है, जिसे देखने के लिए लोग अक्सर पानी के फव्वारे बनाकर उसका आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम मनुष्य ही पानी का फव्वारा नहीं बना सकते, बल्कि प्रकृति भी इतनी ताकत रखती है कि वो खुद से पानी का फव्वारा बना दे। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति द्वारा बनाए गए पानी के फव्वारे, जिन्हें हम आम भाषा में गीजर भी कहते हैं, जो दिखने में हम मनुष्य द्वारा बनाए गए फव्वारे से भी ज्यादा शानदार लगते हैं। और इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फव्वारा आइसलैंड के हाउकॉर्ड लॉर वैली में स्थित है। और दोस्तों जब इस जगह से पानी निकलना शुरू होता है तो शायद आपको विश्वास न हो कि वो पानी 70 मीटर की ऊंचाई तक चली जाती है। और तो और जब ये शांत होता है तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पानी का गुब्बार दिखाई देता है, जिसका रंग नीला होता है। और अगर इस फव्वारे की उछाल मारने की बात की जाए तो आम तौर पर ये फव्वारा हर 10 मिनट पर पानी की उछाल मारता है। और अब आप खुद ही समझ जाइए कि हर 10 मिनट में इस जगह के पानी को 70 मीटर तक ऊपर भेजने के लिए प्रकृति अपने अंदर कितना जोर लगाती है। वेटोमो कैप्स। दोस्तों सितारों से जगमगाता आसमान भला किसे देखना पसंद नहीं है, हर किसी को ये सुंदर नजारा बेहद पसंद है। लेकिन दोस्तों तब क्या हो जब धरती पर ही तारे जगमगाने लगे। हाँ दोस्तों हम जानते हैं ऐसा होना असंभव है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही नजारा तो देखना संभव है ना। और ये संभव चीज हमारी प्रकृति की ही देन है, जो कि आपको न्यूजीलैंड की गुफाओं में देखने को मिलता है। असल में दोस्तों ये एक ऐसी गुफा है जहाँ पर बहुत सारे फंगस पाए जाते हैं, और ये फंगस रात के समय सितारों की तरह टिमटिमाते हैं, जिसका नजारा किसी का भी मन मोह सकता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए
कि प्रकृति कितना अद्भुत खेल दिखाती है। वो फंगस जिन्हें कोई पूछता तक नहीं, उन्हें द्वारा फैलाई गई रोशनी हमें जन्नत का माहौल देती है। और तो और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इस जंगल पर फंगस जितने ज्यादा भूखे रहते हैं उतनी तेज रोशनी फैलाते हैं, यानी कि प्रकृति इन फंगस को भूख से जितना ज्यादा तड़पाती है ये प्रकृति को उतना ही ज्यादा रोशन करते जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। कैनो क्राइस्टल्स। दोस्तों, आप लोगों ने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने पांच रंगों में बहने वाली नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ये जान लीजिए, कोलंबिया के कैनो क्रिस्टल्स में इकलौती नदी पाई जाती है जो एक दो नहीं बल्कि पांच रंगों में बहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये नदी पांच रंगों के पानी में बहकर कितनी ज्यादा शानदार लगती है, और इसी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग चले आते हैं ताकि वो इस शानदार नदी को एक ना एक बार अपनी आँखों से जरूर देख सके। दोस्तों, असल में इस नदी के अंदर पांच अलग अलग रंग की काई जमी होती है, जिस वजह से ऊपर से देखने पर ये नदी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि दिसंबर से लेकर अगस्त के महीने तक ये पांचों काई अलग अलग रंग में, लेकिन सितंबर आते ही सब अपना रंग बदल लेते हैं, तब हमें ये सुंदर नजारा देखने को मिलता है जिसे चाहकर भी हम अपना मुंह मोड़ नहीं सकते। कुछ न हो, लेकिन इससे एक बात तो पक्की है कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता। मूवली कैप। दोस्तों, रोमानिया के साउदर्न ईस्ट पर एक जगह है जो पिछले 55 सालों से बाहर की दुनिया से पूरी तरह से छुपी हुई है, और ना ही तब से कभी इस जगह पर सूर्य की रोशनी भी पहुंच पाई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस शहर का वातावरण प्रकृति के बाकी इलाकों के वातावरण से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इस जगह को जब खोज निकाला गया, जब इसके आसपास पावर प्लांट्स को सेटअप करने की तैयारी कर रहे थे, और जब उन्होंने इस जगह को खोजा तो इस जगह की धरती पर उन्होंने कुछ टेस्ट किए ये देखने के लिए कि ये जगह कैसी है और क्या ये सच है या नहीं। लेकिन अनजाने में एक रास्ता खुल गया जो इस पृथ्वी की सबसे अजीबोगरीब दुनिया की ओर ले जाता है। आप इसके महीन दरवाजों से होते हुए कुछ गुफाओं के समूह को पा करके भी आप एक ऐसे चैम्बर में पहुँच जाएंगे जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई एक पूरी झील है, और उसमें से सड़े हुए कीड़े मकोड़ों की दुर्गंध आती रहती है। इस जगह की हवा बहुत ही ज्यादा जहरीली है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और हमारे वातावरण में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पर 100 गुना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जगह की सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये है कि इतने खतरनाक वातावरण की होते हुए भी इस जगह का इकोसिस्टम सर्वाइव कर चुका है, और खोजकर्ताओं को यहाँ पर 33 तरह के कीड़े मकोड़ों की नस्लें भी मिली हैं, जो इस जगह को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। तो दोस्तों, असल में कीड़े मकोड़ों ने सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए वातावरण में खुद को ढाल लिया है, जो पत्थरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले फॉर्म को खाकर जिंदा रहते हैं। पर दोस्तों, कुछ भी कहिए, ये जगह बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तो है ही, उससे भी ज्यादा खतरनाक है लेक वोस्टोक। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा मुश्किल हालातों में जिंदगी कहां पर पाई गई है, तो आपका जवाब होगा स्पेस पर, क्योंकि स्पेस एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रेविटी बिल्कुल नहीं काम कर, लेकिन फिर भी इंसान अपने स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से वहां पर रहने में सफल हो पाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सिर्फ अकेले स्पेस ही नहीं, हमारी धरती पर भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर रहना तो लगभग नामुमकिन है, और वो जगह और कोई नहीं बल्कि अंटार्कटिका की लेक वोस्टोक है। और ये सरफेस पर नहीं है, बल्कि ये झील बर्फ के नीचे बर्फ की कई परतों से बनी हुई है, और यहाँ पर किसी भी तरह की जिंदगी का होना बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब इस जगह के बारे में वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि इस जगह पर भी जिंदगी मौजूद है, क्योंकि इस झील के अंदर जहाँ न हवा ढंग से पहुँचती है और न ही सूरज की रोशनी, फिर भी इस जगह पर वैज्ञानिकों को कई 3000 बैक्टीरिया की अलग अलग लाइफ फॉर्म्स मिले हैं, और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में खुद को जीवित रखने में हर तरह से सक्षम हैं। यहाँ तक कि वो बैक्टीरिया जुपिटर पे भी आराम से रह सकते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इनकी किसी भी जगह की लाइफ स्टैंडिंग कैपेसिटी हमसे ज्यादा है, जो कि वाकई बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है। द डेविस केटिल। दोस्तों, ये जगह अमेरिका की
मिनेसोटा राज्य में है। ये मौजूद लेक सुपीरियर की उत्तरी किनारे के पास एक अजीब झरना है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो झरने हैं जो एक चट्टान की वजह से एक दूसरे से अलग हैं। इनमें से एक झरने का पानी तो सीधा नीचे गिरकर नदी में मिल रहा है, लेकिन दूसरे झरने का पानी एक गड्ढे में जाते हुए गायब हो जाता है। जी हाँ, ये पानी नीचे तो गिर रहा है, लेकिन उसके बाद ये गिरकर कहाँ जाता है इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। इसको पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत बहुत सर पीटा, लेकिन अभी तक उन्हें इस झरने से नीचे उतरते हुए पानी का कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इस गायब होते हुए झरने के पानी में रंग बिरंगी बॉल्स और स्याही भी डाल दी, ताकि उसे ये पता चल जाए कि ये पानी आखिर जाता तो जाता कहाँ है। लेकिन पानी तो दूर की बात, ना उन्हें बॉल का पता चला और ना ही स्याही का। रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेनिनसुला। दोस्तों, अगर इस दुनिया में पत्थरों की बात की जाए तो आपको ऐसे बहुत से पत्थर मिल जाएंगे जो किसी को भी चौंका सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्थर भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपको चौंकाने के साथ साथ आपको ये सुकून का भी एहसास दिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। USA के पेनिनसुला राज्य में बिल्कुल मीठी आवाज की ध्वनि निकालते हैं। जहाँ आप आम पत्थरों पर मारिए तो उनकी आवाज आपके कानों में सुई की तरह चुभेगी, लेकिन पेनिनसुला में मौजूद इन पत्थरों पर आप कोई भी चीज मारेंगे तो उनसे एक प्यारा सा म्यूजिक निकलता है। हालांकि पहले ये जगह इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन जब से इन पत्थरों के बारे में लोगों को पता चला, तब से ये भारी मात्रा में लोग इन अनोखे पत्थरों को देखने आते हैं। हालांकि ऐसा क्यों होता है इसके बारे में तो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चला। कालाची द स्लीपिंग सिटी। दोस्तों, ये कालाची नाम की जगह कजाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ पर कोई भी कभी भी सो जाता है। जहाँ नॉर्मल लोग मुश्किल से 10 से 12 घंटे ही सो पाते हैं, वहीं इस जगह के लोग अगर एक बार सो गए तो कहिए 4-4, 5-5 दिन तक उनकी आँख ही नहीं खुलती है, और कुछ का तो आधी बॉडी यानी कि नीचे का हिस्सा ही सो रहा होता है। 2013 में इस जगह पर ये सब काफी बड़े पैमाने पर हो रहा था, जब लोग अपना काम करते करते सो जाते थे, और ये अजीब सी सिचुएशन हर उम्र के लोगों में हो रही थी, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या फिर बूढ़े। लेकिन कुछ समय के बाद ये सोने की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई, पर ये अपने साथ ये सवाल छोड़ गई कि ऐसा हो क्यों रहा था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ मौजूद यूरेनियम माइन की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन वैज्ञानिक पुख्ता तौर पर ये नहीं बोल सकते कि ये यूरेनियम माइन की वजह से ही हो रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज्यादा रोमांचक लगी होगी। अगर हाँ, अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।